हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल विद अरुत। तो आज मैं आप सभी को लेके आ गई हूँ दिल्ली के नेशनल साइंस म्यूज़ियम में। इस वीडियो में मैं आपको फुल टूर दूंगी, सारी जानकारी दूंगी, यहाँ पर आप कौन कौन से शोज़ देख सकते हैं, कौन कौन सी गैलरी देख सकते हैं, क्या टाइमिंग होगी, क्या टिकट प्राइस होगा और लोकेशन क्या होगा, सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। तो वीडियो को फुल वॉच करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है नेशनल साइंस सेंटर का मेन गेट, बाहर से कुछ ऐसा लुक है आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के लोकेशन की। गेट नंबर 1 प्रगति मैदान, भैरव मार्ग, दिल्ली में पड़ता है ये। अगर आप मेट्रो से आना चाहते हैं तो इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, वहाँ से आप ऑटो लेके यहाँ तक आ सकते हैं। ऑटो वाले 50 रुपीज़ में आपको यहाँ तक छोड़ देंगे। अब बात करते हैं टिकट की। तो अंदर जाने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी जिसका प्राइस है 70 रुपीज़। अगर आप शोज़ देखना चाहते हैं, यहाँ पे 5 शोज़ होते हैं, तो उसकी आपको अलग से टिकट लेनी पड़ेगी। स्क्रीन पे आप रेट पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। 3D शो होगा वो 35 रुपीज़ का। अगर आप साइंस शो देखना चाहते हैं तो उसकी 20 रुपीज़ की टिकट है। होलो शो की 40 रुपीज़, साइंस ऑफ स्पेयर की 50 रुपीज़, फैंटेसी राइड की 80 रुपीज़ टिकट है। यहाँ पे टाइमिंग भी लिखी हुई है। टिकट काउंटर सुबह 9:30 से शाम के 5:15 तक खुला रहता है, और साइंस सेंटर सुबह 9:30 से शाम के 6 बजे तक ओपन रहता है। ये हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है, बस होली और दिवाली में ही ये क्लोज रहता है। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके टाइमिंग वगैरह पढ़ सकते हैं। शोज़ की भी अलग अलग टिकट होती है, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। अगर आप अपने 2-व्हीलर या 4-व्हीलर से आते हैं तो उसके लिए पार्किंग मिल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं पार्किंग के रेट्स लिखे हुए हैं। तो अब मैंने ले लिए टिकट, तो चलिए अंदर चलते हैं। बाहर से मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, कितना सुंदर और कितना बड़ा है ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए थे, तो काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिल रहा था। और अंदर जाते समय मुझे ये दिखा फ्लोटिंग ग्लोबल सा, बहुत ही अच्छा लग रहा था ये। यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा सकते हैं, तो काफ़ी सुंदर लग रहा था ये। और इसी के जस्ट पीछे आपको कैफेट एरिया मिल जाएगा, यहाँ पर आप कुछ भी खा पी सकते हैं। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। तो कुछ इस तरीके से है एंट्री गेट, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी पहले टिकट चेक करवानी पड़ेगी, देन ही आप अंदर जा सकते हैं। तो चलिए अब अंदर एंटर हो रहे हैं हम। ये देख सकते हैं मैजिक टैप, जादुई नल। इसमें देख सकते हैं कि कोई भी कनेक्शन नहीं है, फिर भी कैसे पानी आ रहा है। आप देख सकते हैं साइड से देखिए, कोई कनेक्शन है ही नहीं, फिर भी पानी आ रहा है। अवर ब्लू प्लैनेट, ये है वी आर थ्रस्टी बिकॉज वी आर हंग्री। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ये चार्ट बना हुआ है। वर फ्रॉम यमुनोत्री टू आगरा, ये देख सकते हैं आप ये किस तरीके से पलट रहा है। ये देख सकते हैं हर एक सेकंड में ये फोटोज़ बदल रही हैं। अभी देख रही सीनरी फिर बदल जाएगी, इस तरीके से ही बदलता जा रहा है। आप देख सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग इस तरीके से, कितना सही लग रहा है ये वाला ओरिजिनल साफ। यहाँ पे देखिए किस तरीके से बना रखा है, किस तरीके से प्रोसेस होता है, एकदम छोटे छोटे हैं बट वीडियो में ऐसा लग रहा है जैसे बड़े बड़े। आप देख सकते हैं ये बोर्ड बना है, अगर हम इन पर क्लिक करेंगे तो ये हमें बताएंगे। और अगर मेरे को जैसे किसी बीमारी के बारे में जानना है लाइक डेंगू के बारे में, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगी, और जिस डॉक्टर से मुझे जानना है मैं उन पर क्लिक करूंगी, इनसे जानना है। तो देख सकते हैं आप ये स्क्रीन पे आ जाएगा, ये हमें पूरी जानकारी देंगे डेंगू की। ये देख सकते हैं साइड में
इनके बारे में बताया जा रहा है दोनों टीवीज पे, तो ये भी एक बहुत अच्छी वो है। तो नीचे मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, अब मैं चलती हूँ ऊपर की तरफ और ऊपर दिखाती हूँ आपको क्या है। यहाँ पे 4 फ्लोर है, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर। तो आपको अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी, तो कोई भी चीज़ मिस मत करना बिल्कुल भी। देख सकते हैं इस तरीके से चक्र बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं राम यंत्रा, और कितना खूबसूरत लग रहा है ये मिश्रा यंत्रा, ये आप देख सकते हैं। इसे हम जंतर मंतर के नाम से भी जानते हैं ना, और ये देख सकते हैं समर्थ यंत्रा, और ये चक्र तो आप देख। एशियन टेक्नोलॉजी ऑफ हड़प्पा, चलो अंदर चलते हैं। तरीके से इस तरीके से बना हुआ है ये, और लिखा है ये आप देख सकते हैं। टच एंड एक्सप्लोर, हम इस पर टच कर सकते हैं आई थिंक, कुछ हो तो नहीं रहा है टच करने से। मेजर्स ऑफ वेट, पुराने जमाने का तराजू, और ये तो आप बेल देख ही सकते हैं। दिल्ली का आयरन पिलर है, देख सकते हैं दिल्ली आयरन पिलर, दिल्ली लोहा स्तंभ, इसके बारे में लिखा हुआ है। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट ये है ना, यहाँ पे आप आके पढ़ाई कर सकते हो, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। इसके बारे में यहाँ पे लिखा है ना, अच्छा इसको दबाएंगे तो स्क्रीन पे कुछ ना कुछ आ जाएगा इस तरीके से। शॉपिंग ह्यूमन बॉडी, इस तरीके से उपचार हो रहा है ना, पहले ऐसे उपचार हुआ करता था, इस तरीके से देख सकते हैं। यह है आयरन स्टीमिंग, देख सकते हैं आप इस तरीके से होता था, ये देख सकते हैं आप कोयले का खान जैसे, और यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं रोक के इस तरीके से ऐसे, और ये देख सकते हैं आप इसके साइड में पहले के ज़माने में यूज़ हुआ करते थे ये सब। कॉटन एंड टेक्सटाइल, देख सकते हैं आप किस तरीके से बनता था पुराने ज़माने में, ये देख सकते हैं आप इस तरीके से मशीन होती थी
और इस तरीके से चरखा और ये सब एशियंट कॉइन मेकिंग इस तरीके से बनते थे। देख सकते हैं आप सिक्के, देख सकते हैं आप, ये आप देख सकते हैं लाल किला का डिज़ाइन बना हुआ ऊपर की तरफ। और ये देख सकते हैं आप इसके बारे में लिखा हुआ है, ये जो पुराने ज़माने में तोप हुआ करती थी, तो ये है मल्टी बैरल गन। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं इसको वीडियो को पॉज करके। और ये कितना प्यारा और खूबसूरत लग रहा है, इस तरीके से हर एक चीज़ रखी हुई है पुराने ज़माने की और उनके बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं, ये देख सकते हैं। कास्टिंग ऑफ कंपोजिट कैनन्स, इस तरीके से। और ये तोप, वाह पुराने ज़माने की तोप है ये, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अगर आप ताजमहल नहीं जा पा रहे हो घूमने तो ये देखो, आपको मैं यहीं पे दिखा देती हूँ ताजमहल। और ये कितना खूबसूरत लग रहा है ब्लू लाइट के अंदर, बहुत ही प्यार और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ये देख सकते हैं आप। इसके बारे में भी यहाँ जानकारी लिखी हुई है, तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं सब चीज़ें। स्टार्क डिफरेंस इन स्टाइल, ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। वाओ ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, सामने से बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इस तरीके से, बहुत ही प्यारा सेटअप है। इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। टाटा वैद्य, इतना खूबसूरत लग रहा है यार। पुराने ज़माने में जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे वो सब यहाँ पे रखे हुए हैं, तबला वगैरह, हारमोनियम, सब कुछ। मेटल क्राफ्ट इन इंडिया, ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये, और कितना शाइनिंग है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ये आप देख सकते हैं डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, ये आप देख सकते हैं ये रियल में है, ये इसके अंदर ग्लास के अंदर ये रियल है। शार्क, ये आप देख सकते हैं बटरफ्लाई, रियल है ये सब कुछ। स्पाइडर, बहुत ही सही लग रहा है ये। Can you identify yourself? अच्छा इसमें हमारी शक्ल दिख जाएगी। ये क्या था? रिमोट कंट्रोल, ये क्या है? ये हमारा दिल, दिल है लिविंग पंप, याद दे सकते हैं इस
इसे क्या बोलते थे, ये पढ़ो जरी और पल्स रेट चेक करते हैं हम भी। इसे ऑन कर लिया, इसके अंदर हम अपनी उंगली डालेंगे, देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। मेरी पल्स रेट कितनी ऊपर नीचे हो रही है, कितनी होनी चाहिए, 98, 103 हो रहा है ये कुछ, 104। धन्यवाद दर्शक, कृपया ध्यान दें, जिनके 10 सौ के पास 12 के 300 की टिकट है वो कृपया करके सेकंड फ्लोर फन साइंस गैलरी पर पहुंचे। धन्यवाद दर्शक के प्रति। इन गुड टेस्ट आप देख सकते हैं, स्वीट स्वीट ये जल गया, सॉल्टी के लिए ये जल गया, सोर के लिए ये जल गया, बिटर कड़वे के लिए करेले के लिए वो ऊपर वाला जल गया। ओके नोज में देखते हैं क्या होता है, ये अगर हम ये रेड वाला दबाते हैं तो ये लाइट जल रही है, मुझे नहीं पता हो क्या रहा है इसमें, बस ये लाइट जल रही है दिखा रहे हैं हमें, लॉन्ग है इसमें तो, इसमें पता नहीं क्या है। नोज हैंड देखते हैं, हीट के लिए वहाँ पे, कोल्ड के लिए यहाँ पे लाइट जल रही है अलग अलग, वो कान के लिए, इसके लिए तो कुछ है ही नहीं। आईज आई ये देख सकते हैं आप, लाइट जल गई आई के लिए, एकदम लाइट जल गई। वाह आप देख सकते हैं, भालू का आदमी तो डर भी लग रहा है इसे टच करने में। फ्रेश वाटर एक्वेरियम, डिजिटल मरीन एक्वेरियम, वाओ कितने अलग अलग टाइप के फिश है। ये देख सकते हैं आप, जैसे लग रहा है ओरिजिनल है ये, सरदार वल्लभ भाई पटेल देख सकते हैं आप। इस तरीके से तो कितना सुंदर लग रहा है, ये घूम भी रहा है बीच बीच में, गत्ते का बना हुआ है ये देख सकते हैं आप, उनकी फोटो दिखेगी आपको। आपको जिस चीज़ के बारे में जानना है आप ये हेडफोन में जान सकते हैं, इसको लगा के आप इन सब चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। इस तरीके से सेटअप है पूरा, जिस चीज़ के बारे में जानना है उसके सामने हेडफोन रखे हुए हैं। ये म्यूज़ियम मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और अगर आप अपने बच्चों को लेके आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, ताकि बच्चे कुछ सीखें साइंस म्यूज़ियम से, तो ज़रूर एक बार अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आए, और उन्हें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि फ़न एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे उनको करने को मिलेंगी। तो वीडियो को मैं ज़्यादा लॉन्ग ना करते हुए वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें,
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।